सो लास्ट क्लास जो सम्स था उसको कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 162 में, स्क्रॉलर सम नंबर 15, ठीक है, पेज नंबर 162 यहां दिख रहा है ना, तो चेक कर लेना नीचे तो, पेज नंबर 162 सम्स नंबर 15 का कंटिन्यूएशन है। लास्ट क्लास हम लोगों ने ट्रेडिंग पेल बना लिया था इसका, ठीक है, आज इसका बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। तो क्या हम लोगों ने बैलेंस शीट बना के ओपनिंग कैपिटल निकाला था, चेक कर लो वर्किंग नोट, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए थे क्या? नहीं निकाले थे, तो कौन सा वर्किंग बनाया, वर्किंग नोट 5 है ना, 7 वर्किंग नोट 7, तो हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट 7 बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री का जो भी सम्स होगा, ठीक है, सिंगल एंट्री चैप्टर का जो भी सम्स होगा उसमें कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें हम लोग को कैपिटल निकालना पड़ेगा, कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल निकालने के हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ अर्पिता एंड को, बैलेंस शीट ऑफ अर्पिता एंड को एज ऑन का डेट दे देंगे 31 दिसंबर 2016। नाउ 31 दिसंबर 2016 इज इक्वल टू 1 जनवरी 2017। हम लोग को लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्यों बनाना है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना के लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा जो कि बन जाएगा इस साल का ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट से लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो कैपिटल आ जाता है। तो ध्यान से देखो, 1 जनवरी 2017 31 दिसंबर 2016 इज इक्वल टू 1 जनवरी 2017 लाइबिलिटीज अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो लाइबिलिटीज में हम लोग चेक कर पा रहे हैं, साल का शुरुआत में फर्नीचर दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबको चेक करो, फर्नीचर गिवन है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 36,000, तो हमने फर्नीचर लिख दिया 36,000। उसके बाद एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टॉक भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है स्टॉक, 48,000 स्टॉक कितना दिया हुआ है, 48,000 स्टॉक दिया हुआ है, 48,000। उसके बाद डेटर्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेटर्स, तो डेटर्स भी लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, 96,600 बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर्स भी लिख देंगे 96,600। उसके बाद देखो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स भी लिख देंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स जो कि है 66,000। उसके बाद लिख देंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है तो एसेट में पुट कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है तो एसेट में पुट कर देंगे, कितना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 3,600 रुपया प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को हमने लाइबिलिटी में पुट कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000। और इसके अलावा जो और एक डेटा दिख रहा है वो है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो लिख देंगे यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, जिसका अमाउंट दिया हुआ है 7,200। तो ओपनिंग डेट में ये सारा डिटेल्स हमारे पास है, हमारे पास ओपनिंग डेट का एसेट है और ओपनिंग डेट का लाइबिलिटी है, ठीक है, ओपनिंग डेट का एसेट है, ओपनिंग डेट का लाइबिलिटी है, यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक ये लास्ट है ना, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग डेट का एसेट है और ओपनिंग डेट का लाइबिलिटी हमारे पास गिवन है, तो ये बैलेंस शीट हमने बना लिया। इस बैलेंस शीट को हम बैलेंसिंग कर देंगे, बैलेंसिंग कर दो, एसेट साइड ऐड कर दो, लाइबिलिटी साइड माइनस, तो एसेट साइड ऐड करने पे कितना आ रहा है, 191,400। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट है जो कि इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट है, और ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा एसेट से लाइबिलिटी माइनस करके आ जाएगा कैपिटल, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 1,13,400।
आंसर में चेक कर लो, दिया हुआ है 1,13,400, तो ये हमारा कैपिटल आ गया 1,13,400। क्लियर? मतलब इस तरह से हम लोग को वर्किंग नोट बना के कैपिटल निकालना पड़ेगा सिंगल एंट्री का सम्स में, कैपिटल जनरली नहीं दिया हुआ रहता है। ओके, और क्या डिटेल हम लोग को चेक करना है? बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों ने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया था, है ना, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया था। क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है सबको, देखो एडजस्टमेंट नंबर 6 क्या लिखा है। एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोल रहा है डिफरेंस इन कैश बुक, अगर कैश बुक बना के कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को क्या ट्रीट करना है, या तो ड्रॉइंग्स ट्रीट करना है या तो इंट्रोडक्शन टू कैपिटल ट्रीट करना है। मतलब अगर डेबिट साइड हैवी है क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स, और अगर क्रेडिट साइड हैवी है डेबिट शॉर्ट है तो उसको बोलेंगे फर्दर कैपिटल। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 8। तो हम देख पा रहे हैं 15 मार्क्स का सम्स में इतना सारा वर्किंग नोट बन रहा है, और एग्जाम में ऐसा ही सम्स आएगा, ठीक है, 7-8 वर्किंग नोट बनेगा और मेन सम अलग। इस तरह से बीकॉम वाला पढ़ाई होता है, 12th में ऐसा नहीं था, 12th में हार्डली हाफ पेज का सम बनता था और 4 मार्क्स मिल जाता था, पीएल अप्रोच में छोटा सम्स होता था, याद है। तो ऐसे देखो पूरा चेंज हो गया है, बीकॉम में भी एकदम पूरा चेंज रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 8, हेडिंग दे देंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट, तो कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम लोग चेक कर पा रहे हैं हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है। तो हम हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट 8, हेडिंग क्या रहेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, कैश एंड बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो हम चेक कर पा रहे हैं कैश एंड बैंक अकाउंट हम लोग को दिया हुआ है। कैश एंड बैंक अकाउंट का हमको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, कितना दिख रहा है सबको चेक करो, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 7,200। ये एसेट है और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे 2 balance BD। लेजर बना रहे हम लोग, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है इसका डेबिट साइड लिख देंगे 2 balance BD 7,200। ओपनिंग बैलेंस हमने पुट कर दिया 7,200, 2 balance BD। अब हमको एक एक आइटम को पकड़ना और जर्नल एंट्री पे फोकस करना है। जैसे देखो कैश ट्रांजेक्शन का डिटेल देखो, received from debtors, debtors से हमने receive किया 3,51,000, क्योंकि debtors से हमने cash receive किया है तो हमारे business में cash का balance increase हो जाएगा, हमने debtors से cash receive किया है तो cash balance increase होगा, तो entry क्या होगा, cash account debit, cash asset है, asset का debit balance, asset increase होगा तो asset को debit कर देंगे, तो entry हो जाएगा cash account debit, और जब debtors से पैसा receive करेंगे तो debtors का balance कम हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 3,51,000, अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 3,51,000। एक बार फिर से बता रहे हैं डेटर्स कौन है, डेटर्स वो पार्टी है, वो इंडिविजुअल है जिससे हमको पैसा कलेक्ट करना है, रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, पेएबल टू एनी पार्टी इज क्रेडिटर, जिनसे भी हमको पैसा कलेक्ट करना है वो सबका सब मेरा डेटर है, और जिनको भी हमको पैसा पे करना है वो सबका सब मेरा क्रेडिटर है। तो डेटर से हमको पैसा कलेक्ट करना था, डेटर मेरा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, डेटर से जब पैसा कलेक्ट कर लेंगे तो डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा, तो डेटर को क्रेडिट कर दिए, और कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया तो कैश को डेबिट कर दिए, तो जर्नल एंट्री क्या बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। देखो उसके साथ एक डिस्काउंट अलाउड का भी बात है क्वेश्चन में, जो लास्ट क्लास एक्सप्लेन भी किए थे, डिस्काउंट अलाउड नॉन कैश इन नेचर होता है, जब हम डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को तो ना ही कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है, वो नॉन कैश आइटम है और नॉन कैश आइटम कैश बुक में नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड का मतलब हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल दे दिया किसी को, बैंक को दे दिया और उससे कैश कलेक्ट कर लिया, बिल्स रिसीवेबल जब हम लोग किसी और पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं और उसके बदले हमको जब कैश मिल जाता है उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड।
बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड का मतलब बिल्स रिसीवेबल एसेट हमने किसी को हैंडओवर कर दिया और उसके बदले उससे कैश ले लिया, तो हमने जब उसके बदले कैश ले लिया तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल हमने सबमिट कर दिया था, हैंडओवर कर दिया था, दे दिया था किसी को, एसेट चला गया, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट खत्म हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। जर्नल क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। घर में भी प्रैक्टिस करते समय ऐसे ही जर्नल प्रैक्टिस करके, मतलब जर्नल सोच के फिर पोस्टिंग करना है। इससे क्या होगा? बेसिक्स क्लियर होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल में अमाउंट कितना आएगा? 36,750। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेड टू क्रेडिटर्स। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड भी डिस्काउंटिंग वाला है, तो डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल लॉस है कि गेन है? हमने बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग करवाया, बदले में कुछ पैसा कम मिला है, तो ये लॉस है कि गेन है? लॉस है, और लॉस नॉन कैश इन नेचर होता है। लॉस जब होता है तो ना ही कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है, तो जो नॉन कैश इन नेचर है वो कैश बुक में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ रहा है पेड टू क्रेडिटर्स। हम लोग क्रेडिटर्स को जब पेमेंट कर दे रहे हैं तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो पार्टी है हमको जिसको पेमेंट करना है, ठीक है? वी आर लायबल टू मेक द पेमेंट, हमारा ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है। हमने उनसे उधार में सामान खरीद रखा है, हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, जब लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी को डेबिट। जर्नल एंट्री सोचो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करने से कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे करके सीक्वेंस में पढ़ना है, ऐसे करके सीक्वेंस में पढ़ोगे कोई भी चीज़ नहीं अटकेगा, तुम याद करने में चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज होगा, लायबिलिटी डेबिट, और पेमेंट जब करेंगे तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। कैश एसेट की लायबिलिटी, एसेट का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एसेट डिक्रीज हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। जर्नल बन गया क्रेडिटर्स टू कैश, तो कैश अकाउंट में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लोग भी हमको डिस्काउंट दिया था, मतलब डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव भी नॉन कैश आइटम है। जब डिस्काउंट मिलता है तो हमको पेमेंट कम करना पड़ता है, तो डिस्काउंट के कारण कोई कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, कोई कैश का इनफ्लो नहीं है। हमको राम को 10,000 देना था, हमने उसको 9,800 रुपया पेमेंट किया, 200 रुपया कम पेमेंट किया, दिस इज डिस्काउंट रिसीव। क्या वो 200 रुपये के बदले कोई कैश का इनफ्लो हुआ? नहीं, कोई कैश का आउटफ्लो भी नहीं है, तो डिस्काउंट नॉन कैश आइटम होता है, वो कैश बुक में नहीं आता है। क्लियर? फिर क्या लिखा है, फ्रेट इनवर्ट। देखो फ्रेट इनवर्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट से फैक्ट्री तक गुड्स को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रक वाले को भाड़ा देना पड़ेगा, फ्री में तो लाएगा नहीं, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, कार्टेज। फ्रेट इनवर्ट एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सही बता रहे हैं। एक्सपेंस और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। सारा एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, फ्रेट इनवर्ट अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करना पड़ेगा, भाई एक्सपेंस है तो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करेंगे तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो गया, कैश को एसेट को क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या बन गया, फ्रेट इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में लिख देंगे बाय फ्रेट इनवर्ट, बाय फ्रेट इनवर्ट। कितना अमाउंट है? 18,000 बाय फ्रेट इनवर्ट, अमाउंट कितना है? 18,000। नेक्स्ट क्या आता है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए बिजनेस का कैश बॉक्स से कैश निकाला है, बिजनेस से कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, डी से ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स को जब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और ड्रॉइंग्स जब हुआ है तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हुआ है, कैश बाहर चला गया, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में लिख देंगे बाय ड्रॉइंग्स।
बाई ड्रॉइंग्स कितना है 42,000। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर देखो एसेट है, फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ गया, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट को डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर खरीदा है तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। कैसे पता कैश का आउटफ्लो हुआ? देखो ऊपर हेडिंग दे दिया कैश ट्रांजेक्शन, बोल्ड लेटर्स में हेडिंग दिया हुआ, सबका सब कैश ट्रांजेक्शन है। तो फर्नीचर परचेज किया है कैश में तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, कैश बैलेंस कम हो गया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रीति ट्राई करो, फर्नीचर परचेज का एंट्री क्या होगा? टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में लिख देंगे बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर 6,000। नेक्स्ट 4% इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, जब हम एसेट परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट अकाउंट डेबिट। ये 4% क्या है? ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है 4% इन्वेस्टमेंट। कितना में परचेज किया हमने? 96 में। 96 मतलब एक इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू, बचपन में तुमने शेयर्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो शेयर्स का फेस वैल्यू होता है। यहाँ पे हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, उसका फेस वैल्यू नहीं बताया तो कितना रुपया मानेंगे? 100 रुपया। 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट हमने 96 में खरीदा, तो 100 रुपया फेस वैल्यू है और 96 हो गया उसका कैपिटल कॉस्ट, मतलब हमने जितना में परचेज किया है। तो 4% इन्वेस्टमेंट एट ₹96 कितना में परचेज किया? 57,600। इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया तो कैश क्रेडिट। जर्नल एंट्री हो गया 4% इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक में लिख देंगे बाय 4% इन्वेस्टमेंट, बाय 4% इन्वेस्टमेंट कितना है? 57,600। ये उसका कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जितना में इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज, हमने एक्सपेंसेस पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करने से कैश बैलेंस कम हो जाएगा तो कैश क्रेडिट। जर्नल क्या बन गया? एक्सपेंसेस टू कैश, तो कैश बुक में लिख देंगे बाय एक्सपेंसेस, कैश बुक में लिख देंगे बाय एक्सपेंसेस 87,000, कैश बुक में लिख देंगे बाय एक्सपेंसेस 87,000। उसके बाद क्या लिखा है? मिसलेनियस रिसिप्ट्स। मिसलेनियस रिसिप्ट्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर बेच के थोड़ा पैसा आ गया, पुराना कॉपी किताब बेच के थोड़ा पैसा आ गया, अभी दिवाली में साफ सफाई होगा थोड़ा बहुत वो सब बेच के पैसा आ जाएगा, उसको बोलते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश इंक्रीज होगा तो कैश डेबिट, और मिसलेनियस रिसिप्ट हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, छोटा मोटा इनकम है तो इनकम को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स, टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स कितना? 3,000। क्लियर? मिसलेनियस रिसिप्ट का मतलब छोटा मोटा इनकम, ठीक है, पुराना कॉपी किताब बेच दिया, पुराना न्यूज़पेपर बेच दिया, समझ में आ रहा है? कैश आ रहा है उसके बदले में, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स। इसके अलावा कैश बुक में और क्या आइटम आएगा? हम लोगों ने बिल्स रिसीवेबल का एंट्री वेंट्री सब कुछ कर दिया है, कैश बुक में और कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, एक लाइन का गैप छोड़ के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, तो चेक कर लो बाय बैलेंस सीडी एक लाइन का गैप छोड़ के कितना आएगा? 3,750। अब इस कैश अकाउंट को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, चेक करो क्या दोनों तरफ इक्वल हो रहा है या कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। चेक कर लो, ये दिया हुआ है अमाउंट, क्वेश्चन गिवन है, चेक कर लो कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या? क्रेडिट साइड हैवी है शायद, क्रेडिट साइड ऐड करके कितना आ रहा है?
4,49,550 क्रेडिट साइड ऐड करके और डेबिट साइड माइनस करके माइनस करके आ रहा है 51,600 क्रेडिट साइड में आ रहा है ना, तो क्रेडिट साइड हैवी है, तो ये जो 51,600 आया ना इसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ये कैपिटल है। और अगर उल्टा होता, डेबिट हैवी होता है क्रेडिट साइड में आता तो ड्रॉइंग्स। अब तुम बोलोगे ड्रॉइंग्स तो ऑलरेडी दिया हुआ, फिर कैसे होगा, हो ही सकता है, ठीक है, फर्दर ड्रॉइंग भी हो सकता है, क्लियर। तो क्रेडिट साइड हैवी था तो क्रेडिट साइड ऐड, तो ये बीच में डाउट आया कि गैप क्यों छोड़े थे, अगर इधर आ जाता तो इसलिए गैप छोड़ दिए थे इन केस। तो ऐड करने के बाद बैलेंसिंग इफेक्ट कितना आ रहा है 51,600, इसको क्या बोलेंगे, फर्दर कैपिटल। बिजनेस में तो एक बार कैपिटल लगाना पड़ता है, कैपिटल बार बार रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल क्रेडिट, तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड लिख देंगे टू कैपिटल, नीचे डैश दे के फर्दर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल नीचे डैश दे के फर्दर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये हम लोगों ने कैश एंड बैंक अकाउंट बना लिया। अब हम लोग बनाएंगे मेन बैलेंस शीट, जो मेन बैलेंस शीट ट्रेडिंग के नीचे मेन बैलेंस शीट बनाएंगे। लास्ट क्लास ये सम इनकम्प्लीट था, उसको कम्प्लीट कर लेते, फिर डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हो गया, बता दें अगर ये साइड हैवी होता डेबिट साइड, तो इधर बैलेंसिंग फिगर ड्रॉइंग्स आता, बाई ड्रॉइंग्स, ये क्वेश्चन बता दिया खुद, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मेन बैलेंस शीट हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट ऑफ अर्पिता एंड को, बैलेंस शीट ऑफ अर्पिता एंड को एज ऑन 31st December 2017। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। 31st December 2017 ये एंडिंग का बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अभी हम लोगों ने कैपिटल कैलकुलेट करके निकाला था, कितना आया था कैपिटल वर्किंग नोट में 1,13,400, तो इसको इनर कॉलम में लिख देंगे 1,13,400 कैपिटल लिख दिए। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तो पीएल अकाउंट बना के जो नेट प्रॉफिट आया था उसको ऐड कर दो, कितना आया था नेट प्रॉफिट 47,917 नेट प्रॉफिट ऐड कर दिए। इसके अलावा हम लोगों ने जो वर्किंग नोट बना के फर्दर कैपिटल निकाला वो भी ऐड कर दो, कितना आया था फर्दर कैपिटल 51,600 वो भी ऐड हो जाएगा। तो ओरिजिनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड, फर्दर कैपिटल ऐड। चेक करो क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में चेक कर लो ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, तो ड्रॉइंग्स को लेस कर देंगे, कितना है ड्रॉइंग्स 42,000 ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 42,000, ठीक है। तो कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड, फर्दर कैपिटल ऐड और ड्रॉइंग्स लेस, तो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल कैपिटल आएगा, कितना आ रहा है 1,70,917 ये आ गया हमारा फाइनल कैपिटल। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड, फर्दर कैपिटल ऐड, ड्रॉइंग्स लेस, तो ये आ गया हमारा फाइनल कैपिटल। इसके अलावा चेक करो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स भी आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 90,000
क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000। इसके अलावा चेक करो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,800। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10,800। अब आ जाते हैं एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में देखो एक चीज बता दे रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन में कोई भी लायबिलिटी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ना कैश ट्रांजैक्शन जब होता है तो लायबिलिटी खत्म हो जाता है। कैश बुक जो है, कैश बुक का पेमेंट साइड एक बार ध्यान से देखो, हमने जो कैश बुक बनाया है उसका जो पेमेंट साइड दिख रहा है, मतलब क्रेडिट साइड दिख रहा है, पेमेंट साइड कैश बुक के लिए जहर है, लायबिलिटी पेमेंट साइड में जाएगा मर जाएगा, ठीक है। तो देखो बाई क्रेडिटर्स दिख रहा है, जो क्रेडिटर्स टू कैश, तो क्रेडिटर्स टू कैश एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैश बुक में लायबिलिटी अगर पेमेंट साइड में दिख रहा है तो वो खत्म है, क्लियर। तो कैश ट्रांजैक्शन में कोई भी नया लायबिलिटी रेज नहीं हुआ है और कोई लायबिलिटी है नहीं, तो बस लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं आएगा, कोई बिल्स पेबल कुछ है नहीं। फर्दर कैपिटल तो दिखा दिए, एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट, सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखेंगे 36,000, फर्नीचर इनर कॉलम में लिख देंगे 36,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर परचेज भी किया है तो लिखेंगे एड एडिशन, कितना फर्नीचर परचेज किया है 6,000, ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर परचेज किया है 6,000। और डेप्रिसिएशन भी हमने कैलकुलेट किया था फर्नीचर के ऊपर वर्किंग नोट बना के, चेक कर लो कितना आया था डेप्रिसिएशन, 3,900 डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, तो कितना आ रहा है 38,100। तो देखो जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 38,100, अब एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है डायरेक्टली हम लोग फर्नीचर 38,100 बढ़ा देते हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स काट लेता, क्लियर। डिटेल शो करना पड़ेगा हम लोग को पूरा डिटेल, फर्नीचर इतना था, इतना ऐड हुआ, इतना डेप्रिसिएशन हो गया, इतना क्लोजिंग बैलेंस है। फर्नीचर के बाद आ जाएगा 4% इन्वेस्टमेंट, 4% इन्वेस्टमेंट, 4% इन्वेस्टमेंट का कैपिटल कॉस्ट था 57,600, मतलब उसका कॉस्ट था 57,600। और अगर तुमको याद हो हमने वर्किंग नोट भी बनाया था, चेक कर लो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट चेक कर लो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना नंबर वर्किंग नोट था चेक करो, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 1200। तो accrued interest on investment मतलब वो investment पे जो interest है वो अभी तक receive नहीं हुआ है, पर उसको लेने का right आ चुका है, समझ आ रहा है। accrued interest मतलब interest due है पर अभी तक receive नहीं हुआ है, तो जो पैसा मिलने वाला है वो asset है कि liability, asset है। जिस चीज के बारे में सोच के अच्छा लग रहा है वो asset है, पैसा मिलने वाला है, ये सोच के तुमको अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ए से अच्छा और ए से asset, क्लियर। तो accrued इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो इसको ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया था ओरिजिनल प्रिंसिपल और उस पर इतना इंटरेस्ट आ गया है, accrued इंटरेस्ट कितना 1200। तो इस इंटरेस्ट के कारण हमारा इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है कि कम हो गया है, बढ़ गया है। हमने इन्वेस्टमेंट किया था 57,600, आज इंटरेस्ट के साथ उसका वैल्यू बढ़ गया है, कितना हो गया है 58,800। इसलिए इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, क्लियर। इसके बाद आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ये सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी, इसको बोलते हैं मार्शलिंग, पहले फिक्स्ड एसेट आया फर्नीचर, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। यहां से देखो क्लोजिंग स्टॉक है कितना 42,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 42,000। उसके बाद क्या आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स, सब कोई चेक करो, हम लोगों ने वर्किंग नोट बना के सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, कितना आया था
1,17,300 ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आया था, 1,17,300 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स था। इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो कि कितना परसेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, चेक कर लो लास्ट एडजस्टमेंट 2.5%। तो 1,17,300 का 2.5% कितना हो जाएगा, कितना कैलकुलेटर, 1,17,300 का 2.5% 2,933। हम लोगों ने पीएल में 33 लिया है ना, यहाँ पे भी वही लेंगे 2,933। तो माइनस कर दो डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट, माइनस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक ही होता है, तो बैड डेट देखो डाउटफुल डेट एक ही बात है, कितना आ रहा है 1,14,367। ये आ गया नेट डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस, ठीक है, ये आ गया डेटर्स का बैलेंस। इसके अलावा चेक कर लो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का भी क्लोजिंग पता है, तो उसको भी पुट कर देंगे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,750, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,750। और इसके अलावा लास्ट आइटम प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि कैश के बाद आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्लोजिंग है 4,200। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है 4,200, और कुछ आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया है, फर्नीचर को ऐड करके दिखा दिया है, बस बैलेंसिंग कर दो, दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए, नहीं बिल्स इस बार बैलेंस बचा नहीं ना। तुम देखो अगर हम जर्नल को फॉलो करें एक बार, सबके पॉइंट नंबर 3 फॉलो करो, ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीवेबल कितना रिसीव हुआ 60,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। अभी लास्ट में एक लेजर बना के दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए बिल्स रिसीवेबल क्यों नहीं आएगा, तो घर पर डाउट आ जाएगा, एक बार थोड़ा एनालाइज कर लो। हमको 60,000 का बिल्स रिसीवेबल मिला, उसमें से हमने कितना का बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को दे दिया 12,000, तो हमारे पास कितना बचा 48,000 में से 2,400 का जो BR dishonored हो गया, उसका एंट्री होता है डेटर टू क्रेडिटर, उसका इफेक्ट BR पे नहीं आता है, ठीक है, हमारे पास 48,000 का बिल्स रिसीवेबल बचा, क्लियर। उसके बाद देखो बिल्स रिसीवेबल से कितना कलेक्शन हुआ था 36,750, और कितना डिस्काउंट हुआ था चेक करो, PL अकाउंट चेक करो, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स चेक करो, थोड़ा फास्ट पीएल में चेक करो, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स दिख रहा है, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल लिखे थे हम लोग पीएल में, कितना आया था 750। मतलब जो बिल्स रिसीवेबल से कलेक्शन हुआ है वो है कितना 36,750 प्लस 750, मतलब 37,500। 48,000 का बिल्स रिसीवेबल से कितना कलेक्शन हो गया, 48,000 का बिल्स रिसीवेबल था, इसमें से कितना का बिल्स रिसीवेबल खत्म 37,500, तो कितना का बच गया 48,000 माइनस 37,750, कैलकुलेटर 60,000 का बिल्स रिसीवेबल आया था, 60,000 का बीआर आया था, इसमें से कितना का बीआर क्रेडिटर को दे दिया 12,000, जो बीआर हमने क्रेडिटर को दे दिया क्या वो अब है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, कितना का बीआर है 48,000, 48,000 में से कितना का बीआर कलेक्शन हो गया खत्म, क्लियर, बाद बाकी निकालो कितना हो रहा है 10,250, तो बैलेंस बच जा रहा है ना, तो बीआर अकाउंट पे बनाना पड़ेगा हम लोग को, उतना ही बैलेंस भी आ रहा होगा, हाँ 10,500 आएगा, 500 आ रहा है ना, कितना आया था 37,500, अच्छा तो एक बीआर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट कौन सा बनेगा 9, तो छोटा सा यहाँ पे तुम थोड़ा स्टार मार्क दे देना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे
मतलब डेटर्स के बाद होना चाहिए था। तो बिल्स रिसीवर का लेजर बना लेते हैं, अगर ये नहीं बचता तो नहीं आता, बच गया तो आ गया। हमेशा जब भी सम में सम बनाएंगे ना एग्जाम में, तुम बैलेंस एक बार चेक कर लो, मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है उसके बाद सोचो क्या क्या और रीजन हो सकता है। बिकॉज सिंगल एंट्री सम्स में कुछ भी फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, सम्स सम्स कोई भी वैरायटी का हो सकता है। तो वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट 9 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और उसमें यहाँ पे पुट कर देंगे और बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। वर्किंग नोट 9 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सबसे पहले चेक कर लो क्या बिल्स रिसीवेबल जो कि एक एसेट अकाउंट है इसका कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस था। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो कि एक एसेट अकाउंट है, क्या इसका कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस था? क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट टाइम रहेगा एग्जाम, तो डेट कॉलम बना देना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी नील, बट क्लोजिंग आएगा इसलिए क्लोजिंग नील मत लिखना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्या लिख देंगे टू बैलेंस बीडी नील, ठीक है, टू बैलेंस बीडी नील। इसके अलावा चेक करो पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड। तो जब हम लोग को बिल रिसीवेबल रिसीव होता है तो एसेट है बिल्स रिसीवेबल, एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट डेबिट, और किससे रिसीव होता है? डेटर से, तो डेटर का बैलेंस कम हो जाता है, तो डेटर क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री होता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जर्नल एंट्री हो जाता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना 60,000 का बिल्स हम लोग को रिसीव हुआ है, ठीक है। इस 60,000 का बिल में से कितना का बिल हमने क्रेडिटर को दे दिया, एंडोर्स कर दिया? 12,000। स्नेहा ट्राइगर उसका एंट्री क्या होगा? हमने क्रेडिटर को 12,000 का बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया टू बिल्स रिसीवेबल। लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, जब हमने बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को दे दिया तो हमारा लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो जर्नल में लायबिलिटी डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल एसेट चला गया, एसेट कम हो गया तो एसेट को क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री हो गया क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 12,000। अब हमारे पास कितने का बिल रिसीवेबल बचा? 48,000, ठीक है। इस 48,000 में से कितना रुपया का बिल, कितना रुपया का बिल सब एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग करवाया, पहला बार डिस्काउंटिंग करवा के मिला कितना? 36,750। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड दिख रहा है क्वेश्चन में, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग करवा के मिला 36,750, और डिस्काउंट कितना लगा बिल्स के ऊपर? 750, तुम लोग खुद बताए थे, कैलकुलेट करके आया था लास्ट क्लास। पीएल चेक करो, पीएल टू डिस्काउंट ऑन बिल्स कितना आया था? 750। इसका मतलब जो बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंटिंग करवाया, डिस्काउंट करवा के आया 36,750, डिस्काउंट लग गया, चार्जेस लग गया 750, मतलब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डिस्काउंटिंग करवाया उसका वैल्यू कितना था? इन दोनों को ऐड करके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग करवाया उसका वैल्यू था कितना? 36,750 कितना? इसका मतलब अगर उसका अगर जर्नल बनाएंगे तो जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 36,750 जितना कैश आया, डिस्काउंट ऑन बिल्स जो कि लॉस है तो डिस्काउंट ऑन बिल्स डेबिट कितना? 750, और बिल्स रिसीवेबल एसेट चला गया तो एसेट क्रेडिट कितना? 37,500। ये जर्नल बन गया, ठीक है। अब देखो हम लोग कौन सा लेजर बना रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो कि जर्नल में क्रेडिट हुआ है, उसमें एक बार आएगा बाय कैश और एक बार आएगा बाय डिस्काउंट ऑन बिल्स। जो बिल रिसीवेबल हमने डिस्काउंटिंग करवाया, डिस्काउंट करवा के आया कितना? 36,750। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना लग गया? 750।
मतलब उस बिल का टोटल वैल्यू कितना था? 37,500। ठीक है, 60,000 का बिल आया था, उसमें 12,000 का बिल एंडोर्स कर दिया, तो कितना का बिल बचा? 48,000 में से कितना का बिल हमने डिस्काउंटिंग करवा लिया, तो कितना का रिमेनिंग बिल डिस्काउंटिंग अभी तक नहीं करवाया? 10,500। वही क्लोजिंग बिल्स रिसीव है, इसका पोस्टिंग कर देते हैं, इसको लिख देंगे बाय कैश 36,750, बाय डिस्काउंट ऑन बिल्स 750। ठीक है, बाय डिस्काउंट ऑन बिल्स 750 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पीएल चेक करो जो तुमने बनाया नहीं है, जब तुम पीएल बनाओगे तुम्हें दिखेगा, आज बनेगा इक्कल, कौन सा आज वाला? आज इक्कल वाला आज। ठीक है, वो रिकॉर्ड वाला कोई था नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बस क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, और इसको एसेट साइड में पुट कर देना, जब भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। कितना? 10,500, तो एसेट साइड में देंगे बिल्स रिसीवेबल 10,500, बट दोनों तरफ इक्वल कर लो, फिर न्यू सम में आते हैं। कैश कैसे आया चेक करो, कितने का बिल रिसीवर हमने रिसीव किया था, बीआर से अमाउंट कितना रिसीव किया था डिस्काउंटिंग करवा के, कितना अमाउंट रिसीव किया था डिस्काउंटिंग करवा के? 60,000 का 36,750 दिख रहा है बिल रिसीवर डिस्काउंटेड, कैश ट्रांजैक्शन सेकंड पॉइंट, सिंगल एंट्री चैप्टर जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी तुमको एग्जाम टाइम में याद रहेगा, तो फिर इसमें बहुत तरह का वैरायटी है, हर सम्स में नया नया चीज़ दिखेगा। अभी हम लोग करेंगे सम्स नंबर 19, कैश ट्रांजेक्शन देखो सेकंड पॉइंट होगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, ठीक से देखो, जनरल क्या होता है कैश टू बी आर, डिस्काउंटिंग भी तो है ना, डिस्काउंट पर बिल्स, क्लियर, मैच हो गया, इक्वल दोनों तरफ, कितना आ रहा है टोटल? 2,71,717, 2,17,717, 2,17,717, तो विद दिस ये सम्स कंप्लीट हो गया, अभी न्यू सम में आ जाओ, हाँ वो क्योंकि हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 717 लिया, कितना आया था? 3,3 लिया था, ठीक है, सम नंबर 19 में आ जाते हैं, स्कॉलर सम नंबर 19, स्कॉलर में जो भी पेज नंबर होगा चेक कर लेना, एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है, मार्केटिंग ऑनर्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सम नंबर 19, इसका क्वेश्चन है मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय वाला क्वेश्चन, ठीक है, सम नंबर 19, मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय, सम नंबर 19, देखो तो नया सम स्टार्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली पेज नंबर चेक कर लेना, 2006 मार्केटिंग ऑनर्स का क्वेश्चन है, क्या लिखा है? मिस्टर रॉय कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस वर्ड को हाईलाइट कर लेना, इससे पता चल रहा है कि नया बिजनेस है, और क्योंकि अगर नया बिजनेस है तो ना ही हमको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा, ना ही हमको ओपनिंग क्रेडिटर मिलेगा, ना ही ओपनिंग डेटर मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मिस्टर रॉय कमेंस बिजनेस एज अ क्लॉथ मर्चेंट, ठीक है, कपड़े का व्यापारी था, ऑन 1st जनवरी 2017 विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000, ये उसका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? उसका ओपनिंग कैपिटल, ऑन द सेम डे ही परचेज फर्नीचर, उसी दिन वो फर्नीचर भी खरीदा ₹5,000 का, मतलब फर्नीचर साल के शुरुआत से एग्जिस्ट करता है बिजनेस में, द
The books are maintained under single entry system from the following particulars prepared trading and PL account for the year ended 31st December 2017 and balance sheet as on the same date. सेल्स जिसमें कैश सेल्स 14,000 है तो बाद बाकी क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स 54,000 का टोटल सेल्स है जिसमें 14,000 कैश सेल्स है तो बाद बाकी 40,000 क्रेडिट सेल्स है. परचेज टोटल 30,000 है जिसमें 8,000 कैश परचेज है तो बाद बाकी 22,000 क्रेडिट परचेज है. रॉयस ड्रॉइंग्स मतलब प्रोप्राइटर ने ड्रॉइंग्स किया है कैश में पैसा निकाला है कितना रुपया 2400 रुपया. सैलरी दिया है स्टाफ को 4,000. बैड डेट रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1,000 रुपया. बिजनेस एक्सपेंस है 1,400 रुपया. स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st December 2017 ये क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक. देखो नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा बट क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है वो है. उसके बाद डेटर्स का भी बैलेंस दिया है क्लोजिंग. क्रेडिटर का भी बैलेंस दिया है क्लोजिंग. मिस्टर रॉय टुक क्लॉथ कॉस्टिंग 1,000 फ्रॉम द शॉप फॉर प्राइवेट यूज. तो वो किस चीज का मर्चेंट था क्लॉथ मर्चेंट था तो क्लॉथ वो खरीदता था क्लॉथ वो बेचता था तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो गया गुड्स. गुड्स क्या होता है गुड्स वो कमोडिटी है जो हम खरीदते हैं रीसेल करने के लिए. गुड्स आर द कमोडिटीज विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल. गुड्स वो कमोडिटी जो खरीदते हैं वापस से बेचने के लिए तो वो क्लॉथ का डीलर था उसके लिए क्लॉथ क्या है गुड्स है. उसने गुड्स अपना प्राइवेट यूज के लिए घर लेके चला गया वो कितने का गुड्स 1,000 रुपया का गुड्स. एंड पेड 400 कैश टू हिज सन. ठीक है ये दोनों ही क्या है ड्रॉइंग्स है. 1,000 रुपया का गुड्स निकाल लिया है 400 रुपया अपना बेटा को दिया है कैश बॉक्स से निकाल के तो ये दोनों ही क्या है ड्रॉइंग्स है. और ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. अगर गुड्स निकाला तो टू परचेज कैश निकाला तो टू कैश. और ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड मतलब इसको रिकॉर्ड करना भूल गया. और हम लोग को डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन फर्नीचर. ठीक है फर्नीचर के ऊपर हमको 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. 1,000 उसने क्या निकाला है क्लॉथ निकाला है. ठीक है जो कि गुड्स है. और 400 रुपया उसने अपना कैश बॉक्स से निकाल के अपना बेटा को दिया है. क्लियर. तो हम लोग अगर चेक करें ट्रेडिंग बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए. ट्रेडिंग बनाने के हमको सेल्स चाहिए दिया हुआ है. परचेज का डेटा चाहिए दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा वो भी दिया हुआ है तो ट्रेडिंग तो बन जाएगा. ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं ट्रेडिंग बन जाएगा. पीएल बनाने के लिए भी जो जो आइटम थी वो सब दिया हुआ है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा सम्स. हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय सम नंबर 19. इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय उसके नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अच्छा फॉर द ईयर एंडेड लिखना है. फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट. So in the books of Mr. Roy, trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017, trading, we'll start करते हैं. क्या opening stock मिलेगा इस sums में? नहीं. नया business है. तुम सोचो हमने नया business start किया इसी साल. तो किसी से भी एक रुपया बाकी होगा? नहीं. पीछे का? नहीं. ना opening stock होगा. ये सब कब होता है opening stock? पुराना business में, जो existing business है. Clear? तो opening stock नहीं है. तो छोड़ देते हैं. Purchase से start करते हैं. सबसे पहले लिख दो two purchases. ट्रेडिंग अकाउंट में आता है परचेजेस. तो परचेजेस में दो तरह का परचेज है. दोनों चेक करो कौन कौन सा परचेज है. कैश परचेज कितना है 8,000 कैश परचेज है तो ऐसे लिख देंगे कैश 8,000. टोटल परचेज कितना है 30,000. तो क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा 22,000 है कि नहीं. उधार में खरीदा हुआ सामान
कोई भी तरह का परचेज रिटर्न भी नहीं है क्वेश्चन में, तो इन दोनों को ऐड करके 30,000 दिखा देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग में आ गया टू परचेजेस। सिमिलरली ट्रेडिंग में सेल्स भी आ जाएगा, चेक करो दोनों सेल्स दिया हुआ है, बाय सेल्स कैश क्रेडिट, तो कैश सेल्स कितना है चेक कर लो, कैश सेल्स है 14,000, टोटल सेल्स है 54, तो क्रेडिट सेल्स है 40,000। इस तरह से प्रेजेंटेशन शो करना है, परचेज दिखा दिए, सेल्स दिखा दिए, डन। उसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, 13,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 13,000। इसके अलावा कोई भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ओनली एक्सपेंस। अच्छा एक और आइटम था, रुक जाओ, एक और आइटम था, ये 30,000 इनर कॉलम होगा, गुड्स का भी एडजस्टमेंट था, ये 30,000 इनर कॉलम में होगा, गुड्स का एडजस्टमेंट था। देखो उसने गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, अपना बिजनेस से गुड्स निकाल लिया है, तो उसका जर्नल क्या होगा, प्रोप्राइटर जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स निकालेगा तो जर्नल एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये गुड्स खरीदते समय हमने परचेज को डेबिट किया था, आज ये गुड बिजनेस से बाहर चला गया, तो परचेज क्रेडिट। जर्नल हो गया ड्रॉइंग्स टू परचेज, मतलब परचेज से लेस कर देंगे, लिख देंगे लेस गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, कितने का गुड्स है 1,000, 1,000 का गुड्स उसने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो गुड्स का एडजस्टमेंट परचेज से होता है, तो परचेज से लेस कर दिए 1,000, परचेज से हम लोगों ने लेस कर दिया 1,000, और तो कुछ है नहीं, तो बस, और ट्रेडिंग का कोई आइटम नहीं है, बैलेंसिंग कर देते हैं, बैलेंसिंग करके हम लोग को मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, फटाफट निकाल लेते हैं, 54 + 13 कितना, 67,000 - 29,000 - 38,000 तो यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट, लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे डाल दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर बैलेंसिंग फिगर 38,000। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट, इसी के नीचे कंटिन्यू करके बनाएंगे अब पीएल अकाउंट। ठीक है, इसी के नीचे कंटिन्यू करते हुए बनाएंगे हम लोग पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल था, ठीक उसके नीचे बनाएंगे पीएल अकाउंट, कितना था टोटल बताना तो एक बार, 67। ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल है ठीक उसके नीचे लिखना है, तो सबसे पहले लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे डैश लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना है जीपी 38,000, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,000। ठीक है, इसके अलावा चेक करो पीएल का आइटम, पीएल का आइटम में सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है सैलरी टू स्टाफ, दिख रहा है सैलरी टू स्टाफ, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पीएल का डेबिट में आ जाएगा टू सैलरीज, टू सैलरीज कितना है 4,000। ठीक है, बैड डेट भी इनडायरेक्ट लॉस है, तो पीएल का डेबिट में आ जाएगा टू बैड डेट्स 1,000, टू बैड डेट्स 1,000। उसके बाद आ जाएगा टू बिजनेस एक्सपेंसेस,
ये सब पीएल का आइटम है। 1400 रुपया क्लोजिंग स्टॉक पीएल में नहीं आएगा, क्लोजिंग डेटर्स पीएल में नहीं आएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स पीएल में नहीं आएगा, ड्रॉइंग्स पीएल में नहीं आएगा। और क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। फर्नीचर कब परचेज किया था उसने? साल के शुरुआत में। क्वेश्चन में लिखा है कितने का फर्नीचर परचेज किया था? 5000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। तो लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ब्रैकेट में दिखा दो, 5000 इंटू 10% इंटू 12/12। तो डेप्रिसिएशन का फिगर आ रहा है 500। और कुछ है नहीं, बस बैलेंसिंग कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना है? 31,100। क्लियर। बाकी इसके आगे का जो सम्स है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और 2-3 क्लास और लगेगा फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, बड़ा चैप्टर।